नमस्कार बच्चों आज हम आपकी पुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के पांचवें अध्याय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं इसके पहले भाग में हमने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वो माप होते हैं जो हमें हमारे आंकड़ों के मध्यमान या औसत का ज्ञान कराते हैं अर्थात इन्हें हम सरल भाषा में औसत माप भी कह सकते हैं हमने यह देखा कि औसत ज्ञात करने के मुख्यतः तीन तरीके होते हैं एक समांतर माध्य दूसरा माध्य का व तीसरा बहुलक पिछले भाग में हमने माध्य पर विस्तार में चर्चा की हमने देखा कि माध्य को असमोहित व समोहित आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों से कैसे ज्ञात किया जाता है हमने प्रत्यक्ष विधि कल्पित माध्य विधि व पद विचलन विधि के सूत्र व उदाहरण देखे साथ ही हमने माध्य का एक विशेष प्रकार यानी भारित माध्य भी देखा मैं आशा करता हूं उस भाग को देखने के बाद आपने माध्य के प्रश्नों का अभ्यास भी किया होगा आइए आज के इस भाग में दो अन्य प्रकार के औसत मापों माध्यिका व बहुलक पर चर्चा करते हैं सबसे पहले यदि हम माध्यिका की बात करें तो आप इसको इसके नाम से याद रखें माध्यिका अर्थात मध्य बिंदु माध्य का किसी भी आंकड़े का वह मध्य आइटम होता है जो हमारे पूरे आंकड़े को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे अर्थात यह मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर की संख्या और नीचे मदों की संख्या बराबर होती है यह उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है जब आंकड़ों के समुच्चय को यानी पूरे आंकड़ों के समूह को उनके परिमाण के क्रम में लगाया जाता है यह बात ध्यान देने वाली है कि हमें माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को एक क्रम में लगाना होगा बढ़ते या घटते क्रम में सामान्यता हम बढ़ते क्रम में लगाना पसंद करते हैं तो क्रम में लगाने के बाद जो मध्यवर्ती मान होगा यानी जो सबसे बीच का प्रेक्षण होगा वह माध्यिका कहलाएगा क्योंकि माध्यिका का निर्धारण विभिन्न मानों की स्थिति या स्थान द्वारा होता है अर्थात माध्य किसी मान या किसी मद के स्थान पर निर्भर करता है यानी यह वह मूल्य या प्रेक्षण होता है जो हमारे आंकड़ों में सबसे मध्य पर होता है इसलिए माध्यिका में अधिकतम मूल्य में होने वाली वृद्धि से फर्क नहीं पड़ता यानी यदि या हमारी उच्चतम मूल्य या न्यूनतम मूल्य बदल भी जाए इन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं ऐसे वैल्यूज यानी मान अगर बदल भी जाए तो माध्यिका पर उसका असर नहीं पड़ता यह माध्यिका को माध्य से अलग बनाने का एक विशेष बिंदु है माध्य क्योंकि सभी मदों को लेकर जोड़कर निकाला जाता है तो ऐसे में यदि एक मद भी जो हमारी उच्चतम या न्यूनतम है वो अगर बदल जाए तो माध्य के मान पर असर पड़ेगा लेकिन माध्यिका पर उसका असर नहीं पड़ता क्योंकि यह एक स्थितिक मान है यह स्थिति पर निर्भर करता है कि मध्य स्थिति पर कौन है जो भी मान मध्य स्थिति पर है वह माध्यिका कहलाएगी अब माध्यिका का अभिकलन या परिकलन कैसे किया जाए सबसे पहले तो हम जैसा कि हमने देखा आंकड़ों को या उसके प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में लगाएंगे सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर व्यवस्थित करेंगे इसके बाद हम यह देखेंगे कि मदों की संख्या के अनुसार सबसे बीच का स्थान कौन सा है आइए इसे इस अब एक उदाहरण से देखते हैं हमारे पास कुल नौ मदे दी गई हैं इनकी माधिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें यहाँ से बढ़ते क्रम में लगाएंगे जैसा कि हमने किया अब नौ मदों का मध्य बिंदु यदि ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए नौ में एक जोड़कर इसे दो से विभाजित करके भी ज्ञात कर सकते हैं इसे इस प्रकार भी समझे कि यदि मेरे पास ये पांच मदे हैं तो मुझे इसकी मध्य बिंदु कैसे ज्ञात होगी यह मध्य बिंदु कहलाएगा क्योंकि इसके इधर भी दो हैं और इसके इधर भी दो हैं यानी वह है जो हमारे को दो चार प्रेक्षण होंगे तो यहाँ पर पांचवा प्रेक्षण कौन सा निकलकर आता है एक तीन चार पांच और छे यह जो प्रेक्षण है यह पांचवें नंबर पर है व्यवस्थित करने के बाद तो इसलिए यह हमारी माध्यिका बन जाती है अब यहां पर मदों की संख्या एक विषम संख्या थी नौ थी विषम संख्या में मध्य बिंदु निकालना आसान होता है जैसा कि हमने यहां देखा क्योंकि यह विषम संख्या है तो हम आसानी से मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं लेकिन यदि संख्या कोई सम संख्या होती तो यहां पर मध्य बिंदु मिलना मुश्किल होता है जैसे कि यह है चार मदों में मध्य बिंदु कौन सा होगा अब ऐसे में इस समस्या का हल हम बीच की दो बिंदुओं को लेकर निकालते हैं यानी यदि आपके पास सम संख्या है तो आप बीच की दो बिंदुओं को लेकर फिर उनका औसत करेंगे आइए इसे भी एक उदाहरण से देखते हैं हैं। पर हमारे पास कुल 20 छात्रों के प्राप्तांक इनको पहले तो हमने यहां व्यवस्थित किया अब क्योंकि ये बीस छात्र है तो हमें मध्य के दो बिंदु चाहिए इसके मध्य में दसवें और ग्यारहवें नंबर के बिंदुओं को हम लेंगे क्योंकि इनके इस तरफ भी नौ प्रेक्षण और इस तरफ भी नौ प्रेक्षण होंगे तो दसवें और नंबर पर कौन कौन से प्रेक्षण आते हैं एक दो तीन चार पांच छत आठ नौ दस और यानी ये दो प्रेक्षण हमारे मध्य के दो प्रेक्षण है हम इन दोनों प्रेक्षणों को लेकर इन्हें जोड़कर दो से विभाजित करेंगे तो पैंतालीस जमा छियालीस इक्यानवे इक्यानवे को दो से विभाजित किया पैंतालीस दशमलव पांच हमारा माध्यिका प्राप्त हुआ यानी सम संख्या की स्थिति में मध्य के दो बिंदुओं को लेकर उनका औसत करें विषम संख्या की स्थिति में आप सरलता से मध्य बिंदु को ले सकते हैं उससे पहले ध्यान जरूर रखें कि हमें आंकड़ों को व्यवस्थित करना होगा अब चलते हैं विविध आंकड़ों की तरफ जहां हमें आंकड़ों को आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी के साथ दिया जाता है इस प्रकार के आंकड़ों में सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी के मदों को एक एक करके जोड़ते हुए संचयी बारंबारता यानी सी एफ का एक कॉलम बनाना होगा जैसे हमने किया है हमने सबसे पहले दो को लिखा फिर दो में चार को जोड़ा आया छे में हमने फिर दस को जोड़ा सोलह आया और सोलह में हमने चार को जोड़ा अर्थात हम एक एक करके जोड़ते जाएंगे सबसे पहला तो वही रहेगा उसके बाद दो में चार को जोड़े आपको छह मिलेगा छे में दस को जोड़ने पर सोलह सोलह में चार को जोड़ने पर बीस इस प्रकार आप संचयी बारंबारता यानी सी एफ का कॉलम बनाएंगे सी एफ का कॉलम बनाने के बाद आपको इस मद को देखना है यानी की कुल संख्या जो कि आपको आवर्त या को जोड़कर प्राप्त होगा यदि हम इन सबको जोड़े तो हमें बीस प्राप्त होगा जो कि हम यहां से भी देख सकते हैं क्योंकि हम इनको जोड़कर ही इसे प्राप्त करते हैं तो यानी ये हमारी मदों की संख्या यानी एन है तो बीस जमा एक बटे दो ये हो गया साढ़े दस बीस और एक को जोड़कर दो से विभाजित करने पर हमें मिला साढ़े दस अब हम इसे सी एफ के कॉलम में देखेंगे और यह देखेंगे कि इसके बाद की संख्या कौन सी है साढ़े दस के बाद की संख्या को ढूंढने पर हम देखेंगे कि यह सोलहवी संख्या हमें मिलती है यानी कि हमने ये करने के बाद सी एफ में ढूंढना है और इसके बाद की जो संख्या मिले उसे देखना है और उसके ठीक सामने जो यह हमारा प्रेक्षण होगा यह हमारे आंकड़ों का कहलाएगा। इस उदाहरण में हमारी तीस है, यानी की आय आय है, जो बीच की आय है तो इस प्रकार हमने माध्यिका ज्ञात की विविध श्रृंखला यानी असंत श्रृंखला में आइए अब संतत श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने को सीखते हैं बच्चों इसके लिए भी तरीका लगभग वही है जो अभी-अभी हमने देखा लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आप सीएफ निकाल कर उसमें मद को ढूंढकर सामने लाएंगे तो आपको कोई एक प्रेक्षण तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार के वर्ग मिलते हैं तो इन वर्गों का हल करने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन शुरू के चरण हमारे वही रहने वाले हैं यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं दी गई हैं, हम उनको जोड़कर सी एफ का ये कॉलम बनाएंगे सबसे पहले चौदह फिर उसमें अट्ठाईस को जोड़ा बयालीस फिर उसमें तैंतीस को जोड़ा पचहत्तर, और इस प्रकार एक सौ पांच एक सौ पच्चीस एक सौ चालीस एक सौ तिरपन और एक सौ साठ अब इसमें कुल मदें हो गई एक सौ साठ इसके पश्चात अब यहां थोड़ा ध्यान दें कि विविक्त श्रृंखला में हमने एन प्लस वन बाई दो किया था यहां पर हम एन बाई दो सीधा आप एन बटे दो करेंगे ना कि एन प्लस वन बाई दो, अब सीधा एन को यानी को दो से विभाजित करें यहां पर हमें 80 प्राप्त होगा और फिर इसे सी एफ में ढूंढें 80 से बड़ी संख्या कौन सी है एक सौ पांच ये मिल गया इसके सामने आप देखें कौन सा वर्ग आ रहा है ये ये आपका माध्यिका वर्ग अंतराल या माध्यिका वर्ग कहलाएगा इसके इस्तेमाल से अब आप सूत्र लगाएंगे सूत्र में आप देखेंगे तो L यानी लोअर लिमिट यानी ये जो माध्यिका वर्ग हमें मिला है इसका लोअर लिमिट यानी 35 ये हमारा L बन जाएगा फिर हमें चाहिए n बटे दो जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है फिर हमें चाहिए CF अब यहां ध्यान दें यह जो हमारा माध्यिका वर्ग हमें ज्ञात हुआ है इसके ऊपर वाला जो सी एफ है इसे हम सूत्र में इस्तेमाल करेंगे सी एफ के रूप में फिर हमारे माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है इसे हम इस्तेमाल करेंगे एफ के रूप में यानी माध्यिका वर्ग से हमने लिया लोअर लिमिट फिर हमने लिया फ्रीक्वेंसी और फिर इसके ऊपर वाला हमने लिया सी एफ यानी संचय बारंबारता फिर सूत्र में है एच एच अर्थात वर्ग अंतराल तो वर्ग के बीच का अंतराल पांच इन सभी मदों को आप यहां पर डालें हमने एल की जगह पैंतीस एन बटे दो की जगह अस्सी सी की जगह पिछहत्तर एफ की जगह नीचे तीस और यहां पर वर्ग अंतराल चालीस में से पैंतीस को घटाकर ज्ञात किया इस पैंतीस को यानी लोअर लिमिट को आप अलग रखें जैसा कि यहां सूत्र में लिखा गया है पहले आप इस हिस्से को हल करें जो भी आपका मान यहाँ पर आएगा उसको आप सीधा लोअर लिमिट में जोड़ दें आपको माध्यिका प्राप्त हो जाएगी अपनी गणना की जांच करने के लिए एक बात और ध्यान रखें कि जो भी माध्यिका निकले वह माध्यिका वर्ग के अंदर ही आए यानी आपकी माध्यिका या आपका उत्तर ना 35 से कम आ सकता है ना वह 40 से ज्यादा आ सकता है जैसे यहां पर ठीक आया है जो कि 35.83 है और वह इस वर्ग अंतराल के अंदर भी है तो इस प्रकार सतत श्रृंखलाओं में हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके माधिका ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका को समझ लेने के बाद आइए माध्यिका से मिलते जुलते एक और मद की बात करें जो कि है चतुर्थक बच्चों जैसे माध्यिका नाम से स्पष्ट है कि वो आंकड़े का मध्य बिंदु होता है वो हमारे आंकड़ों को दो बराबर हिस्सों में बांटता है उसी प्रकार चतुर्थक जैसा नाम से स्पष्ट है आंकड़ों को चार बराबर हिस्सों में बांटता है यानी यदि हम अपने आंकड़े के चार हिस्से करें तो हमें चतुर्थक प्राप्त होंगे यह हमारे आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग में बराबर संख्या में प्रेक्षण होने चाहिए अतः पर तीन चतुर्थक प्राप्त होंगे जहाँ आपका पहला चौथाई हिस्सा खत्म होगा वह आपका पहला चतुर्थक कहलाएगा जहां आपका दूसरा चौथाई हिस्सा यानी अगला 25 प्रतिशत खत्म होगा वह आपका दूसरा चतुर्थक कहलाएगा लेकिन अब यहां ध्यान ये यह देने वाली बात है कि हमने अपने आंकड़ों को चार हिस्सों में बांटा यानी पच्चीस पच्चीस करके हमने सौ प्रतिशत के चार हिस्से कर लिए पहला हिस्सा यानी पहले पच्चीस प्रतिशत के अंत को हमने बोला Q1 यानी पहला चतुर्थक दूसरे पच्चीस प्रतिशत को जहां पे खत्म हुआ उसे हमने बोला Q2 लेकिन Q2 को दरअसल माध्यिका कहा जाता है क्योंकि जब दो पच्चीस प्रतिशत खत्म हो जाए तो मिलकर तो पचास प्रतिशत हो गए यानी आधा हिस्सा हो गया और आधे हिस्से के बाद तो हम मादिका देखते हैं यानी Q2 को यानी दूसरे चतुर्थक को मादिका भी कहा जाता है इसलिए उसकी गणना अलग से नहीं की जाती इसके पश्चात जहां तीसरा पच्चीस प्रतिशत का हिस्सा खत्म हो वह कहलाएगा क्यू थ्री और जहां चौथा खत्म हो उसके बाद तो आंकड़े ही खत्म हो जाएंगे तो हमें उसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आप दो प्रकार के चतुर्थकों की गणना करते हैं एक Q1 और एक Q3 आइए अब आगे चलते हैं और चतुर्थक की गणना का भी एक उदाहरण देख लेते हैं हमारे पास जो उदाहरण है इसमें इस प्रकार हमें व्यक्तिगत आंकड़े या मदे दी गई है मादिका की तरह ही सबसे पहले इनको भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया अब यहां पर जैसे हमने माध्यिका में एन प्लस वन करके दो से विभाजित किया था यहां हम चार से करेंगे क्योंकि यह चतुर्थक है तो विधिया लगभग वही है सिर्फ माध्यिका में दो लेने की जगह चतुर्थक में अब, अब चार लेंगे क्योंकि चार हिस्सों में विभाजित करता है अब यहां हमने मदों को गिना तो हमें दस मदे प्राप्त हुए दस प्लस एक बटे चार करके हमें ग्यारह बाई यानी दो प्राप्त हुआ यानी हमारे इन आंकड़ों में दो दशमलव सात पांचवा तो हमें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना होता यदि यह दशमलव में नहीं होता मान लीजिए तीसरा पद होता तो हम आसानी से तीसरे को बोल देते लेकिन यह दशमलव में है तो हम क्या करेंगे हम दूसरे मद को लेंगे हम दूसरे मद को लेकर उसमें जोड़ेंगे दूसरे और तीसरे के अंतर का दशमलव पचहत्तरवा हिस्सा यानी हम तीसरे और दूसरे को घटाएंगे फिर से देखिए पहले हम दूसरे मद को लेंगे जो कि है बारह हमने यहां बारह को लिया फिर दूसरे और तीसरे का अंतर लेंगे यानी चौदह और बारह का अंतर यानी दो और उसको दशमलव सात पांच जो कि हमारे पास यहां आया था इससे गुणा कर कर 12 में जोड़ देंगे और हमें प्राप्त होगा अपना चतुर्थक पहला चतुर्थक यदि हमें q3 ज्ञात करना है तो हम यहां पर n प्लस 1 4 करने के साथ फिर उसे तीन से गुणा कर देंगे फिर आगे की प्रक्रिया वही रहेगी तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि चतुर्थक एक तो दो है q1 और q3 दूसरा इनमें हम 4 से विभाजित करते हैं जैसा माध्यिका में आप 2 से करते थे श्रृंखलाएं चाहे जो भी हो चाहे वो विविक्त श्रृंखला हो या सतत श्रृंखला हो आप माध्यिका की तरह ही चतुर्थक की गणना कर सकते हैं सिर्फ आपको चार से विभाजित करना है तो चतुर्थक देखने के बाद अब हमने माध्यिका और चतुर्थक जो कि लगभग एक जैसी चीजें होती हैं, जो कि स्थितिक मान होते हैं माध्यिका मध्य स्थान और चतुर्थक चौथे स्थान को देखता है इसको देखने के बाद अब दूसरे प्रकार के औसत माप की तरफ चलते हैं जो कि है बहुलक बहुलक सभी मापों की गणना में सबसे सरल माना जाता है बहुलक का अर्थ भी बहुत सरल है इसका अर्थ है वह मद या वह प्रेक्षण जो हमारे आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा बार आने वाला मद बहुलक कहलाता है नाम भी सरल है बहुलक यानी बहुत बार आने वाला जो सबसे अधिक बार आए वह प्रेक्षण बहुलक कहलाता है इसे हम ओ या मोड के नाम से दर्शाते हैं यह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से लिया गया है ला मोड का अर्थ है सर्वाधिक प्रचलित या सबसे ज्यादा आने वाला मत अब मोड की यानी बहुलक की गणना कैसे करें यदि आंकड़ा सरल है और व्यक्तिगत है जैसे इस तरह का आंकड़ा तो आपको सिर्फ देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा प्रेक्षण आ रहा है जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा बार चार है तो हमारे इस आंकड़े का बहुलक भी चार है यदि आंकड़ा इस प्रकार का है जहां आपको चरों की बारंबारता भी दी गई है फिर आपका काम और आसान है। आपको सभी चरों की बारंबारता गिनकर दी गई है आपको बस देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता बीस तीस की है यानी हमारा बहुलक यहाँ पर तीस हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है बीस बार आया है लेकिन यदि हमारा आंकड़ा वर्ग अंतराल के साथ है तो यहाँ हमें एक सूत्र का इस्तेमाल करना होगा जो कि यह है। इस सूत्र में हम L, D1, D2 और H इन चार चीजों का इस्तेमाल करेंगे L है बहुलक वर्ग की निम्नसीमा सीमा D1 है बहुलक वर्ग और बहुलक के पूर्ववर्ती वर्ग का अंतर उनके बीच का अंतर D2 है बहुलक वर्ग और बहुलक के परवर्ती वर्ग का अंतर H है वर्ग अंतराल आइए इसे अब उदाहरण से समझें और एक चीज और ध्यान रखें कि ये सभी चीजें निर्भर करेंगी इस बात पर कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है तो आइए इसे एक उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं इस उदाहरण में हमने एक विशेष प्रकार का आंकड़ा लिया है ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों का भी ज्ञान हो जाए यहां पर हमें से कम के रूप में आंकड़े दिए गए हैं अब यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास 50 से कम आय वाले कुल सत्तानवे परिवार या लोग हैं जबकि 45 से कम आए वाले पिचानवे 40 से कम आए वाले नब्बे पचानवे परिवारों की आय 45 से कम है तो इनकी 50 से भी कम होगी यानी यह इसमें भी शामिल होंगे अगर मैं कह रहा हूं कि नब्बे परिवारों की आय चालीस से कम है तो इनकी पैंतालीस से भी कम होगी तो फिर यह ऊपर भी शामिल होंगे अर्थात हर एक बारंबारता में अगली बारंबारता शामिल है यानी इस तरह के आंकड़ों में हमें दरअसल संचयी बारंबारता दी जाती है तो हमें इनसे पहले अपनी बारंबारताएं ज्ञात करनी होंगी जो कि हम बड़े सरल तरीके से इनको घटाकर ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि हमने वहां किया है इसके साथ साथ हमें इन से कम वर्गों को सामान्य वर्ग अंतरालों में भी रख देना है जैसे कि 50 से कम अर्थात 45 से 50 का पहला वर्ग हो गया फिर 40 से 45 और इस प्रकार हमने सभी वर्ग बनाए फिर हमने इन संचयी बारंबारताओं को घटाकर बारंबारताएं यानी आवृत्तियां प्राप्त की इसके बाद बारंबारताएं प्राप्त होने के बाद हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है यहां पर यह 30 जो है यह सबसे अधिक बारंबारता है इसका ध्यान रखते हुए अब हम सूत्र पर चलेंगे सूत्र में सबसे पहले हमें चाहिए लोअर लिमिट निम्न सीमा 30 के सामने हमारा बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा है पच्चीस तो हमने यहां पच्चीस को ले लिया अब हमें चाहिए D1. अब D1 कैसे आएगा? D1 आएगा तीस में से को घटाकर, यानी हमारे बहुलक में से जो सर्वाधिक आने वाली मात्रा है उसमें से अगली मात्रा को घटाकर तो तीस में से अठारह को घटाया बारह प्राप्त हुआ इस प्रकार हमें मिल गया डी वन इसके बाद डी टू ज्ञात करने के लिए 30 में से इसके ऊपर वाले मध्य यानी 20 को घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा फिर दोनों को जोड़ा 22 और यहाँ H यानी वर्ग अंतराल जो कि 5 का है उसको लिया इन दोनों को गुणा करके 22 से विभाजित किया और प्राप्त मान को 25 में जोड़ दिया इस प्रकार हमें बहुलक प्राप्त हुआ सत्ताईस दशमलव दो सात तीन यहाँ भी माधिका की तरह ध्यान रखें कि यह हमेशा आपके बहुलक वर्ग के बीच ही होना चाहिए इस प्रकार इस सूत्र के इस्तेमाल से हम इस तरह की श्रेणियों या श्रृंखलाओं में बहुलक ज्ञात कर सकते हैं तो बच्चों आज के इस भाग में हमने माध्यिका माध्यिका से मिलता जुलता चतुर्थक व बहुलक जैसे कुछ महत्वपूर्ण तो विषयों पर चर्चा की मैं आशा करता हूं कि आपको इन सभी को गणना करना इनकी विधियां व सूत्र समझ आए होंगे वह इस पूरे अध्याय में जो हमने तीन प्रकार के विशेष औसत मापों यानी समांतर माध्य माध्य का व बहुलक के बारे में आपको बताया है मैं आशा करता हूँ आप इन्हें समझ पाए होंगे और पिछले भाग की तरह यहाँ भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन विषयों या इन चीजों को सीख कर इनका अभ्यास जरूर करें आज के इस भाग में व अध्याय में इतना ही धन्यवाद